हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्यूलिंगो ऐप में इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने ये ड्यूलिंगो ऐप जो है वो अपने ऐप स्टोर या आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से अपने iOS या अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने अपने जो जीमेल की आईडी है उसके साथ आपने इससे लॉग इन करना है। उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, तो वहाँ से आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हम कितनी इंग्लिश जानते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ कि आई कैन हैव बेसिक कन्वर्सेशंस, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब फिर दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा एक छोटा सा स्टार्ट में टेस्ट लेगा। They land at another airport. अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि लैंड का मतलब क्या होता है, तो फॉर अ प्लेन टू अराइव। उसके बाद चेक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। When does our flight land? Will be in New York in 40 minutes. ठीक है, करेक्ट करता हूँ। उसके बाद है, a traveler is a person who travels. What does traveler mean? Somewhere you go on, somebody who takes trips. उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। हाउ मैनी कंट्रीज हैव यू बीन टू? माई ग्रैंड पेरेंट्स आर फॉर फ्रांस, नॉट मैनी, आई एम नॉट अ बिग ट्रैवलर। इस पर चेक करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आप लोगों से छोटा छोटा टेस्ट लेता रहेगा और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।